हेलो गाइज, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी ट्यूज एस एल चैम्प में। और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ टाटा आईपीएल का नेक्स्ट मैच, जो कि मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच ये मैच सुपर संडे के दोस्तों दोपहर में, यानी कि पहला ही मैच रहेगा। ये मैच वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाने वाला है। वैसे दोस्तों देखो, इस मैच में आप इन्वेस्टमेंट आप देखो बहुत ही बढ़िया कर सकते हो। ये मैच दोस्तों देखो आपको मैं वन साइडेड देखो विन भी आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो गाइज वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को आप लास्ट तक देखना। ज़्यादा दोस्तों बड़ी वीडियो नहीं रहती है और आपको दोस्तों वीडियो के अंदर पूरी की पूरी जानकारी भी मैं आपको बिल्कुल डिटेल में देता हूं। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो में आपके लिए गिववे भी रहेगा, जो कि दोस्तों यार 3 से 4 दिन के अंदर अभी तक कोई गिववे विनर आया नहीं है। तो मेरे भाई वीडियो के जो गिववे है उसमें आप पार्टिसिपेट करो, ठीक है, पैसा आपके लिए ही है। तो जो भी गिववे विनर होंगे दोस्तों देखो, उन्हें हमारी ओर से आपको गिववे प्राइज भी आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो कि मैच से रिलेटेड ही मैं आपसे एक इजी सा क्वेश्चन पूछने वाला हूं, ठीक है। तो वीडियो में आप बने रहना, साथ ही साथ मैं आप ड्रीम 11 की टीम भी दूंगा, जिस टीम के साथ आप देखो इस मैच को आप देखो वन साइडेड विन कर सकते हो, क्योंकि मैं कुछ रिस्क लेने वाला हूं। और दोस्तों वो रिस्क ऐसे ही नहीं रहेगा, बिल्कुल लॉजिक के बेस पे और देखो मैं रिस्क लेने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। उससे पहले दोस्तों एक फटाफट से, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम का दोस्तों मेन चैनल ज्वाइन नहीं किया तो देखो ज्वाइन कर लो। जो कल का मैच था देखो वो भी देखो क्लीन स्वीप गया, मार्क वुड साथ में कैलमेर्स और यहाँ पर जो यदुवीर सिंह थे देखो वो ये सारे के सारे हमारे टीम में थे। तो गाइज देखो ये कल का भी आईपीएल हमारा मेगा क्लीन स्वीप गया है। तो अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर सिंपली टेलीग्राम चैनल को आप देखो जल्द से जल्द आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर आपसे देखो किसी भी प्रकार का हम लोग गिवे का मतलब सॉरी आपसे प्राइम का फी या फिर कोई भी हम लोग आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते, आपको यहाँ पर सभी टीमें बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो अगर आप भी यहाँ पर हमारी टीम से खेलना चाहते हो तो देखो ज्वाइन कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी चलिए गाइज मैं यहाँ पर डायरेक्ट मैच को चलता हूँ। गाइज देखो ये सुपर संडे का मैच नंबर पहला खेला जाने वाला है, जो कि ये मैच नंबर 22 रहेगा टाटा आईपीएल का, जो कि गाइज 16 अप्रैल दोपहर के 3:30 बजे ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। अगर मैं पिच रिपोर्ट की बात करूँ तो गाइज देखो यहाँ पर एक बात आपको बता दूं, देखो वैसे तो गाइस ओवरऑल बात करूं तो ये जो बाउंड्री होती है यहाँ की काफी छोटी होती है, जिसके कारण देखो यहाँ पर मतलब बाउंड्री लगाना काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है, मतलब चौके छक्के देखो बहुत यहाँ पर इजी लगते हैं। बट गाइज यहाँ पर देखो दो पिच होती है, एक तो रेड सॉइल की होती है और एक यहाँ पर ब्लैक सॉइल की। अगर रेड सॉइल की पिच हुई तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्पिनर को हेल्प मिलता हुआ आपको दिखेगा, और अगर यहाँ पर ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी की पिच हुई तो फिर आपको पावर प्ले में मतलब शुरुआत के ओवर में आपको यहाँ पर पेसर्स को थोड़ा सा मदद मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपको पिच रिपोर्ट टॉस के बाद जो पिच रिपोर्ट आती है तो देखो उसका आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अगर यहाँ पर रिकॉर्ड की बात कर लो तो गाइज पर टोटल 105 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें से 48 बार बैटिंग फर्स्ट करते हुए टीम ने मैच को जीता है और 57 बार बैटिंग सेकंड करते हुए टीम ने जीता है। यानी कि रन चेस करना यहाँ पर काफी ज्यादा इजी रहता है और देखो छोटा सा ग्राउंड है, यहाँ पर रन बनते भी हैं और देखो रन चेज भी होते हैं। यहाँ पर अगर एवरेज स्कोर की बात कर लूँ तो गाइस यहाँ पर मैंने तो वैसे यहाँ पर अभी तक 170 के आसपास ऐड किया है, बट यहाँ पर 180 प्लस आपको समथिंग समथिंग यहाँ पर आप स्कोर बनता हुआ आप देखो देख सकते हो। तो गाइस ये तो बात कर ली मैंने इस मैच की पिच से, पिच की जो रिपोर्ट थी उससे रिलेटेड। अब यहाँ पर मैं बात करूँ दोस्तों इस मैच की दोनों टीमों की स्टार्टिंग 11 क्या रहेगी, क्या कुछ प्लेयर को बेंच पे जाने का मौका दिया जाएगा। तो गाइस देखो एमआई की ओर से जो न्यूज़ क्या है, देखो टीम डेविड को एक इंपैक्ट प्लेयर के रूप में देखो टीम ट्राई करती है, तो क्या पता देखो उन्हें इस मैच में स्टार्टिंग 11 में शामिल कर लिया जाए। तो दोस्तों ये तो आपको टॉस के बाद ही मैं कंफर्म कर पाऊंगा, बाकी देखो वो प्लेयर खेलेगा, ठीक है। अभी के लिए मैं अगर एमआई की बात कर लूँ तो गाइज देखो मैंने यहाँ पर सभी प्लेयर्स का रिकॉर्ड, रिसेंट फॉर्म, हेड टू हेड रिकॉर्ड, वेन ओपनिंग का रिकॉर्ड क्या रहा है, आईपीएल में गाइज ये कैसा इनका फॉर्म है, मैंने सभी डाटा मैंने गाइज ऐड किया है आपके दोस्तों आपके लिए, क्योंकि आपको मतलब अपनी खुद की टीम बनाने में काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाए, ठीक है। अभी के लिए दोस्तों रोहित शर्मा जो कि पिछले मैच में फॉर्म में आ गए थे 65, मतलब 2020 या समथिंग समथिंग 21 के बाद ये इनका पहला हाफ सेंचुरी है। फॉर्म में वे देखो प्लेयर था बट ये देखो बड़ा स्कोर नहीं कर पा रहा था, और इनके साथ देखो ईशान किशन, देखो दोनों ही बैक टू बैक मैच में इन्होंने 30-30+ का इन्होंने आंकड़ा पार किया। तो देखो दोनों ही फॉर्म में है और देखो दोनों ओपनिंग करते हुए आपको दिखेंगे। नंबर 3 पे कैमरन ग्रीन जो कि बैटिंग के साथ बॉलिंग भी करता है, लास्ट मैच में 17+ में 0 विकेट। नंबर 4 पे सूर्य कुमार यादव जो कि गाइज फॉर्म में बंदा है ही नहीं, मतलब बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, जब से मिचेल स्टार्क ने इनको डक पे आउट किया है तब से देखो इनका मतलब 4 बार ये डक पे आउट हो गए। एक बार इन्होंने सिंगल डिजिट का स्कोर किया और केवल एक बार ही पहले मैच में इन्होंने 15 रन स्कोर किए थे। तो गाइज देखो बहुत ही बुरा हाल है, अगर आपको ट्राई करना हो तो अपने रिस्क आप इन्हें ट्राई करना, और ऐसे ऐसे प्लेयर आपको देखो ड्रॉप नहीं करने चाहिए, जब फॉर्म में आएगा तो भाई सबका बदला ये एक दिन में ले लेगा। इनके अलावा देखो तिलक वर्मा इन फॉर्म प्लेयर, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, 3 मैच में 147 रन, और दोस्तों ये तीनों ही मैच में देखो ये फॉर्म में चला है। पहले मैच में 84 नॉट आउट, सेकंड मैच में 22 रन और थर्ड मैच में इन्होंने 41 रन की एक बढ़िया इनिंग खेली थी। इनके अलावा गाइज निहाल
वधेरा, जो कि लास्ट मैच में इनकी बैटिंग नहीं आई थी। वैसे भी दोस्तों ये ओनली वन देखो बैटिंग करता है। जीएल के लिए देखो आपके लिए बढ़िया सिलेक्शन रहेगा, स्पॉलिंग में अपने ट्राई मत करना। ऋतिक शोकेन जो कि एक स्पिनर रहेंगे, देखो बैटिंग में ठीक ठाक करता है, 3 मैच में टोटल 1 विकेट। जीएल में ट्राई करना दोस्तों, स्मॉलिंग के लिए आपके लिए बढ़िया सिलेक्शन ये प्लेयर नहीं है। और फिर यहाँ पर रियल मैड्रिड जो कि पहले मैच में खेलने आया था, इन्होंने 2 विकेट लिए, आपको ये डेथ ओवर में बॉलिंग करके देगा। वेन्यू पर अगर इनकी रिकॉर्ड की बात कर लूँ तो 7 मैच में इन्होंने टोटल 7 विकेट भी लिए इस वेन्यू पर। तो गाइस कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा मतलब आइडिया होगा कि इस वेन्यू पर कैसे यहाँ पर बॉलिंग की जाती है। फिर गाइस यहाँ पर अरशद खान 3 मैच में केवल 1 विकेट। अभी तक दोस्तों ये युवा प्लेयर है, और अभी तक दोस्तों आप इन्हें अगर ट्राई करना चाहते हो तो देखो रिस्की ऑप्शन है, बाकी अगर आप इन्हें ट्राई करना हो तो अपने जीएल या मिनी जीएल में ट्राई करना। और फिर यहाँ पर पीयूष चावला जो कि इनके मेन और सबसे कामयाब बॉलर, अभी तक के 3 मैचेज में इन्होंने टोटल 4 विकेट लिए थे, लास्ट मैच में इन्होंने 3 विकेट लिया था और मैच को मतलब पूरा पलट दिया था। वेन्यू पर अगर बात करूँ तो वेन्यू पर इन्होंने 8 मैचेज खेले, 8 मैच में इन्होंने 5 विकेट लिए। तो देखो वेन्यू पर इनका रिकॉर्ड कुछ ज़्यादा खास नहीं है। और एक गाइस यहाँ पर जेसन बैंड्रोप जो कि डेथ ओवर में बॉलिंग करने आएगा, 3 मैच में टोटल 4 विकेट, और देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है। तो गाइस ये तो बात हो गई आपकी मतलब मुंबई की। बाकी गाइस इंपैक्ट प्लेयर के रूप में टीम डेविड और जोफ्रा आर्चर भी आपको खेलता हुआ दिख सकता है, या फिर देखो जोफ्रा आर्चर यहाँ पर आपको रियल मैड्रिड के प्लेस पे भी आपको देखो जोफ्रा आर्चर खेलता हुआ दिख जाएगा। तो ये तो टॉस के बाद ही मैं कंफर्म कर पाऊंगा। अगर मैं यहाँ पर केकेआर की बात कर लूँ, देखो केकेआर अपनी लास्ट मैच हार कर आ रही है, वो भी देखो रन चेस करते हुए हारी थी, और मतलब ज़्यादा मार्जिन नहीं था, मतलब बहुत ही कम मार्जिन, 20 से 25 रन से मैच को हारी है। अगर इनकी प्लेइंग 11 की बात कर लूँ तो रहमतुल्ला गुरबज के साथ आपको एन जगदीशन ओपनिंग करता हुआ दिखने वाला है, ठीक है। देखो रहमतुल्ला गुरबज देखो बैक टू बैक मैच में इन्होंने कुछ बड़ा स्कोर किया नहीं है, तो देखो बहुत सारे ऐसे बंदे रहेंगे जो कि इन्हें ड्रॉप करके चलने वाले हैं। तो देखो मैं इनको प्रेफर करूंगा कि आप अपने टीम में इनको लेकर चलना। और फिर इंपैक्ट प्लेयर के रूप में वेंकटेश अय्यर को भी टीम यहाँ पर उतारेगी श्योर। नंबर 3 पे गए नीतीश राणा, टीम के कैप्टन, लेफ्ट हैंडेड प्लेयर, बैक टू बैक मैच में उन्होंने बहुत ही बढ़िया इनिंग खेली है। वेन्यू पर अगर बात करूँ, वेन्यू पर उन्होंने 19 मैच में 595 रन और 35 का एवरेज है, तो कहीं ना कहीं देखो वेन्यू पर इनको बैटिंग करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। देन यहाँ पर रिंकू सिंह 4 मैच में 156 रन, बैक टू बैक मैच में इन्होंने बहुत ही बढ़िया नॉट आउट 58 और 48 नॉट आउट की पारी भी खेली है। और तीसरे जो सेकेंड फर्स्ट और फर्स्ट मैच में देखो 4 रन और सेकंड मैच में उन्होंने 46 रन के भी देखो बहुमूल्य पारी खेली थी। तो कहीं ना कहीं देखो ये प्लेयर भी आपको फॉर्म में चल कर देगा। वेन्यू पर इन्होंने 3 मैच में 69 रन भी स्कोर किया, 30 का एवरेज है। तो गाइस कहीं ना कहीं प्लेयर आपके लिए एक बढ़िया सिलेक्शन रहेगा। इनके अलावा गाइस आंद्रे रसेल 4 मैच में टोटल 39 रन, मतलब ये भी बंदा फॉर्म में नहीं है, और लास्ट मैच में इनको देखो बॉलिंग मिला था बट ये इंजर्ड हो गए थे, बट इन्होंने 3 विकेट निकाला। अगर गाइस ये फिट होते हैं तो फिर ये आपको बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों करके देगा, और अगर फिट नहीं रहते हैं तो केवल आपको आप इनसे मतलब बैटिंग की ही उम्मीद करना। शार्दुल ठाकुर की बात करूँ तो देखो ये बॉलिंग से तो पूरा अभी तक फ्लॉप रहा है, बैटिंग में अभी तक केवल उन्होंने आरसीबी के सामने 68 रन की एक बहुमूल्य इनिंग खेली थी। और अगर इनको बॉलिंग की बात करूँ तो वेन्यू पर इन्होंने 19 मैच में 19 विकेट लिया है, तो अगर इनको बॉलिंग मिलती है तो कहीं ना कहीं ये विकेट निकाल कर देगा, और ये प्लेयर आपके लिए जीएल के लिए बढ़िया ऑप्शन रहने वाले हैं। इनके अलावा देखो सुनील नारायण 4 मैच में 6 विकेट, एक मिस्ट्री स्पिनर, आपको हर हाल में इनको अपनी टीम में देखो ट्राई करना ही है। और फिर यहाँ पर उमेश यादव जो कि गाइस ये भी बंदा फॉर्म में नहीं है, 4 मैच में केवल 1 विकेट, आपको ये देखो पावर प्ले में बॉलिंग करने के लिए आएगा, और पावर प्ले में रोहित शर्मा और ईशान किशन देखो इनकी अच्छे से पिटाई करने वाले हैं। बाकी अगर आपको इनको ट्राई करना हो तो जीएल में आप देखो इन्हें ट्राई करना। अगर आप जीएल में उमेश यादव को लेकर जाते हो तो फिर आप अपनी टीम में रोहित शर्मा और ईशान किशन में से रोहित को ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर गए सुरेश शर्मा जो कि एक स्पिनर रहेंगे, 3 मैच में टोटल 4 विकेट, लास्ट मैच में बहुत ही ज़्यादा मतलब 4 ओवर में इन्होंने 44 रन खर्च किए थे। तो गाइस थोड़ा सा ये महंगे साबित होते हैं और इन्हें देखो विकेट भी नहीं मिला था। बाकी गाइस ये युवा प्लेयर है। और फिर यहाँ पर लॉकी फर्गसन 2 मैच में अभी तक इनका भी खाता खुला नहीं है, तो गाइस ये भी आपके लिए एक रिस्की ऑप्शन रहेगा। वेन्यू पर बात कर लूँ तो वेन्यू पर 4 मैच में केवल इन्होंने 1 विकेट लिया, तो वेन्यू पर भी देखो इनका कुछ रिकॉर्ड कुछ ज़्यादा बेस्ट नहीं है। और फिर गाइस यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती जो कि एक मिस्ट्री स्पिनर रहेंगे, 4 मैच में 6 विकेट, और अगर जो वानखेड़े पे जो पिच रेड मिट्टी की हुई यानी कि लाल मिट्टी के बीच हुई, जब भी आप इनको ट्राई करना, बाकी वैसे आप इनको ट्राई नहीं करना, ठीक है। वेन्यू पर इनका रिकॉर्ड की बात करूँ तो वेन्यू पर इन्होंने 2 मैच में टोटल 5 विकेट लिए हैं, तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड यार तो थोड़ा बेस्ट है ही, बाकी आप इन्हें चाहो तो ट्राई कर सकते हो अपने स्मॉल लीग में भी और अपने ग्रैंड लीग में।
भी, ठीक है। अब यहाँ पर बात करूँगा इस मैच में आपके लिए गिववे का क्वेश्चन क्या रहेगा। दोस्तों देखो गिववे में आपको थोड़ा सा जो 3 से 4 दिन में देखो अभी तक एक भी विनर नहीं आया, तो गाइस देखो थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए सिंपल रहेगा, ठीक है। उससे पहले देखो गिववे का रूल, पहला रूल गाइस आपको 500 व्यूज का टारगेट पूरा करना है जो कि आप कर नहीं रहे हो, और सेकेंड टारगेट है गाइस 100 लाइक का। आपको हर वीडियो पर लगभग 100 लाइक तो आपको टारगेट पूरा कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। अगर आप ये टारगेट पूरा करते हो तो आपको देखो गिववे का फुल प्राइस दिया जाएगा, बाकी अगर नहीं करते हो तो आपको देखो प्राइस में कटौती की जाएगी, ठीक है। कहीं देखो गिववे का सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा कि दोस्तों इस मैच को कौन सी टीम इजीली जीतेगी, और इस मैच में दोस्तों कौन सा प्लेयर मैन ऑफ द मैच बनने वाला है, ठीक है। बहुत ही दोस्तों इजी सा क्वेश्चन रहेगा, आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली कमेंट सेक्शन में आना है और फिर आपको आंसर देना है कि इस मैच को कौन सी टीम जीतेगी और इस मैच में कौन सा प्लेयर मैन ऑफ द मैच बनने वाला है, ठीक है। तो आप देखो गिववे में पार्टिसिपेट श्योर करना। टीम की बात कर लूँ तो गाइस ये आपकी अभी के लिए टीम रहेगी, कैप्टन मेरा अभी के लिए ईशान किशन है, वीसी दोस्तों मैं यहाँ पर नीतीश राणा के साथ में देखो जाने वाला हूँ, बाकी अगर आपको थोड़ा सा हटके जाना है तो आप यहाँ पर रोहित शर्मा के साथ गुरबज को भी अपनी टीम का वाइस कैप्टन बना सकते हो। अगर आप जीएल या जेल खेल रहे हो या 4 मेंबर वाली लीग खेल रहे हो तो फिर आपको यहाँ पर सूर्य कुमार यादव के साथ आप चाहो तो दोस्तों आप जाना, क्योंकि गाइस ये देखो 3-4 मैच से लगातार फ्लॉप चल रहा है, अगर ये खेलता है तो देखो बड़ी पारी खड़ा करके देगा, तो आप चाहो तो गाइस आप इनको भी अपनी टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन आप चाहो तो इन्हें बना सकते हो, ठीक है गाइस। बाकी यार फाइनल टीम आपको टॉस के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दी जाएगी। अगर आपने अभी तक भी हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर सिंपली आप हमारे टेलीग्राम चैनल को आप देखो ज्वाइन कर लो, फाइनल टीम आपको यहीं पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए सही भाइयों को हमारी ओर से बेस्ट ऑफ लक।